तो लीजिए जनाब, कोर्ट की जानिब से डिसीजन आ गया और आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं कि हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजेस की मौजूदा दाखला पॉलिसी को गैर कानूनी करार दे दिया। जी हाँ, जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस बेस पे इस केस को चैलेंज किया गया है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये वो पिटीशन थी जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी और आपको बताया था कि इसमें सिर्फ यही बात कही गई है कि जो सब कुछ पीएमडीसी का रहा है उसका पीएमडीसी के पास उस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है। आइन की शिक 42 के तहत जो पीएमडीसी के पास ये रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि वो एमबीबीएस बीडीएस में कुछ चेंजेस कर सके। नो डाउट उन्हें मतलब कुछ अथॉरिटी हासिल है, लेकिन एमबीबीएस बीडीएस के मुतालिक उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं। तो ये आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटी 42 जो है वो इस न्यूज़ का सोर्स है। कानूनी तकाजे पूरे कार के दाखला पॉलिसी मरतब की गई है, ये कहना था वकील पीएमडीसी की जानिब से। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हाई कोर्ट की जानिब से कौन कौन सी जो चीज़ें उन्हें कालेदम करा दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो मैट्रिक के नंबर ख़त्म कर दिए गए थे, हाई कोर्ट ने कहा है कि ये इलीगल है, दोबारा ये मार्क्स इंक्लूड किए जाएँ। उसके बाद उन्होंने कहा, मतलब ये तो उनकी जानिब से स्टेटमेंट है पीएमडीसी की जानिब से, लेकिन हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि जो मतलब ओवरसीज के लिए उन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि आप 2 ईयर के लिए वहां पर स्टडी करें, वो चीज़ भी ख़त्म कर दी गई है हाई कोर्ट की जानिब से। इसके अलावा हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि पीएमडीसी के पास एडमिशन रेगुलेशन 2018 में तरमीम का इख्तियार ही नहीं, मतलब जिसकी बेस पर यह पूरा केस फाइनल किया गया था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप इस पॉलिसी को पुरानी पॉलिसी मतलब 2018 वाली पॉलिसी के अकॉर्डिंग लेकर चलें। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मजीद इस हवाले से जो भी अपडेट्स आती हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मजीद इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि आगे अब क्या होने वाला है, इसको क्या पीएमडीसी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है या नहीं किया जाता और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं। स्टिल मकसद आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करना था और इस हवाले से आपको अपडेट करना था। उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा। मजीद नेक्स्ट वीडियो में फिर इस हवाले से देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म की गई। हाँ, ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि टेस्ट रिकंडक्शन के हवाले से कुछ भी नहीं कहा गया कि टेस्ट रिकंडक्ट करें या ये करें या वो। नहीं, टेस्ट वही होगा जो ऑलरेडी हो चुका है। कुछ चीज़ों के बारे में स्पेसिफिकली कहा गया कि ये चीज़ें ख़त्म करें और ऑब्वियसली बात है जब वो फिर 2018 की पॉलिसी की तरफ रिटर्न कर रहे हैं तो फिर जो 70% एफएससी वाले मार्क्स हैं वो भी ख़त्म कर दिए जाएंगे, वो भी ओरिजिनल मतलब जो ओल्ड था 60% वाला, और उसके साथ साथ जो पासिंग मार्क्स यानी 120 वाली पॉलिसी थी वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजीद अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।